अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, की हाल है? ठीक हो? उम्मीद है कि तुम सब अल्लाह के फजल करम उस दिन मैं सारे ठीक हो गए। अल्लाह ताला तुम सब नो खुश रखे, जिते रहो खुश रहो, शाद रहो आबाद रहो। तो जनाब सुबह सुबह असं बाहर आ रहे हैं, तो मेरे नाल अज असम मुगल साहब आए ने। उन्होंने नज़र जी ना एक ऐसी चीज़ दे पई है जी बचपन बड़े शौक ना खाते सन, असी बड़े शौक ना खाते सा, लेकिन अज उन्होंने कहा जनाब ए तुसा कभी खाधा? मैं जनाब असा भी खाधे ने। आंदा चलो फिर अज खाइए। तो जनाब तुम चीज़ अभी बहाने क्यों आसू साहब? हाँ जी बिल्कुल जी। कि ये केड़ी चीज़ जी तुम कभी खी आप खाधी सी? जी मले जे मला जे बेड़ पे ने। अच्छा तो वो तो हूँ तो वैसे ना जरिया कोई गैर बात जगह रही ने। हाँ जी ना छाव रही ने हूँ छप्पड़ दल दे उगे क्योंकि इतने कोई आने जान घट ही है ना, कोई डंगर आता ना कोई बंदा आता। लिहाजा इतने दो चार बूटे बचे ने। हाँ जी तो वेखो सारे फल पके। अच्छा तो मेरी गल सुनो, मेन वजह की है जी जड़िया बूटिया मगन स्प्रेवा की वजह की है? हाँ जी स्प्रेवा की वजह ना आलूदगी बहुत ज्यादा हो गई। उस तो बाद जगह लोगों ने साड़िया लगे जंगल बीजा बंद बड़े होंगे उत्थे आदि झाड़िया उगदिया ने, तुम्हें पता भी है उसे खेडना भी हूँ सारिया जमीन लोगों ने बल लिया ने। उस तो बाद स्प्रेवा करने आलूदगी बहुत ज्यादा हो गई है। मेन वजह जी स्प्रेवा ना क्योंकि स्प्रे जी जड़ी बूटी साड़ दी है। तुम्हें भी पता कि एक महीना तलाक रख दो बहुत ज्यादा ऐसा ने आप बूटिया जो सिर्फ पहाड़ा से रह गई ने, क्योंकि पहाड़ा से ना तो उसे काश्त होंगी है ना स्प्रेवा होंगे। लिहाजा उत्थे जिथे आलूदगी घट है उत्थे जिन्हिया बूटिया ने साढ़े मदान लग जड़ी बूटी तकरीबन मुक गई तकरीबन 90%। अच्छा दोस्तों दूसरी गल है कि आसिफ भाई जान अलहमदुल्ला इनफॉर्मेशन जी ने तरीखी बहुत ज्यादा रखते हैं, तो इंशाल्लाह इन्होंने को जाना अं तरीखी गुफ्तगु भी इन्होंने ही करा कोई किसी एक बादशाह के हवाले को गुफ्तगु जी सुना तरीखी। ठीक है जी, तो तुम मला दसाइए जनाब आसिफ साहब कहो जनाब सू बेर खुआन फड़ के। लो दोस्तों तुम मले दसाइए आसिफ मुगल साहब जी कह रहे सन कि मले जनाब बेर बड़ा डेंजरस माहौल बने दा जनाब। देखो जी जूम करके दोस्तों वेखो ए जनाब वो बेर जे जे असी बचपन जाना जो जानवर बाहर लैके चराने वास्ते लैके चाहिए सी ना ए बेर ए अच्छा जरा बहायो वेखो जनाब जूम करो थोड़ा सा। हाँ जी ए जनाब बड़े शौक ना असी बेर खाते हजे जो जानवर लैके आना गाइया मझा बहर लैके आना चारण वास्ते छोटे छोटे होंगे स तो स्प्रेवा की वजह ना जाना बहुत सारी जड़ी बूटियां जड़ियाँ ना जड़ियाँ बड़िया ने याब सन वो जहरीलियाँ स्रे स्प्रेवा होने की वजह जड़ना वो सड़ गई ने। तो ए मले जे बस चंद बूटे रह गए ने, तो बड़े शौक ना असी जाना जो कि भुख लगनी। हाँ जी तो जनाब ए बड़े शौक ना जरा ना अं खाते स बड़े मिठे ने जनाब जबरदस्त। लो दोस्तों ए तुम वीडियो कैसी लगी है इनफॉर्मेशन वीडियो? इंशाल्लाह ही तुम हर रोज़ कोशिश करा क्योंकि आसिफ मुगल साहब काफ़ी दिनों तो बाद अज आए ने सा बार, तो इंशाल्लाह आसिफ मुगल साहब को जानना असं मुख्तलिफ जानना मौजू तो इन्हों को जानना सुनेंगे इनफॉर्मेशन लवा करा मुख्तलिफ बादशाहों के मुख्तलिफ मुल्क के जोड़े हालात सन मुख्तलिफ जोड़े बादशाह जो उन्हें अपनी जिंदगी किस तरह गुजारी सी। तो आसिफ मुगल साहब जो बड़ी अच्छी इनफॉर्मेशन रखते हैं इन्होंने मुल्क बादशाह के मुतलक तरीखी जी। तो जनाब यह जी अज की वीडियो हम बनाई है जे हाँ बचपन से एक तुम याद आता कि साढ़े दोस्त बाहर ने कोई इटली है कोई स्पेन है कोई बेल्जियम है मुख्य मुल्क ने, तो जोड़े पिंड अक्सर जाना बेर खाधे हो गए। तो लो सब वास्ते जनाब एक गुजारिश है कि साढ़े चैनल में जाना शाह भट्ट ब्लॉग सबसक्राइब करो लाइक शेयर कमेंट्स करो बैल आइकन प्रेस करो। तो इस सूँ ज़्यादा जी रब रखा जी अल्लाह हाफिज़।